आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। रात के अंधेरे में मैकू अपनी कार को दौड़ाए जा रहा था। मैकू को खुद कार चलाना और दूर दूर की यात्राएं करना बहुत ही पसंद था। मैकू की बगल वाली सीट पर उसका दोस्त रमेश बैठा था। वो दोनों मुंबई से मेहर भगवती के दर्शन के लिए जा रहे थे। मैकू के माता पिता ने लाख समझाया था कि बेटा इतनी लंबी दूरी तुम लोग ट्रेन से सफ़र करो, पर मैकू नहीं माना और अपने दोस्त के साथ कार से ही हो लिया। रात के करीब 2 बजे होंगे, कार सड़क पर भागी जा रही थी। रह रहकर इक्का दुक्का ट्रक आदि भी गुजर जाते थे। अचानक कार में कुछ गड़बड़ी मालूम हुई और मैकू ने सड़क किनारे कार रोक दी। मैकू कार से नीचे उतरकर बोनट खोलकर और जांच पड़ताल करने लगा। उसका दोस्त रमेश कार में ही बैठा था। काफ़ी कुछ इधर उधर करने के बाद मैकू ने रमेश से कार को चालू करने के लिए कहा, पर ये क्या, रमेश तो बार बार चाबियां घुमा रहा था पर अब कार स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। इतनी रात को वो दोनों क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक रमेश के दिमाग में एक ख्याल आया और वो सड़क पर खड़े होकर इक्का दुक्का आने जाने वाली गाड़ियों को रोकने के लिए हाथ से इशारा करने लगा, पर कोई भी गाड़ी रुकने को तैयार नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है कि रात का समय और सुनसान इलाका होने के कारण कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि हाईवे पर रात को ऐसे लूटपाट बहुत ज़्यादा होते हैं। अचानक उन्हें एक कार उनके पास आकर रुकती हुई दिखाई दी। बाबा आदम के समय की कार लग रही थी, या यूं कहें जैसे किसी राजा महाराजा की कार हो। कार के रुकते ही मैकू भागकर उस कार के पास गया। उस कार में ड्राइवर के अलावा 3 लोग और बैठे थे। इन 3 में 1 महिला 1 बच्ची थी। मैकू ने कार में बैठे लोगों से कहना शुरू किया, मेरी कार खराब हो गई है, कहीं अगर आसपास कोई बस्ती हो या कोई गैरेज हो तो वहां तक उसे पहुंचा दिया जाए। उसकी बात को सुनते ही उस कार का ड्राइवर नीचे उतरा और अपनी कार की डिक्की में से एक पतला वायर निकाला। मैकू कुछ समझ पाता तब तक वो ड्राइवर अपनी कार से मैकू की कार को बांध दिया। कार को बांधने के बाद उस ड्राइवर ने इशारे से मैकू को अपनी स्टेयरिंग सीट पर बैठने का इशारा किया। मैकू के स्टेयरिंग पर बैठते ही रमेश भी मैकू के बगल वाली सीट पर बैठ गया। अब उनकी कार को खींचते हुए वो पुरानी कार एक कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। मैकू और रमेश निश्चिंत लग रहे थे। उन्हें किसी भी तरह का डर नहीं लग रहा था, क्योंकि इस पुरानी कार के यात्री समृद्ध घराने के लग रहे थे। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद उनकी कार एक पुरानी हवेली के सामने खड़ी थी। मैकू और कार एक पुरानी हवेली के सामने। मैकू और रमेश अपनी कार से उतर चुके थे। दूसरे कार से उनका ड्राइवर निकला और रोबदार आवाज में बोला, आप लोग अंदर चले जाएं, अभी मैकेनिक बुलाकर आपके कार को ठीक करा दिया जाएगा, उसके बाद आप लोग अपने रास्ते। मैकू और रमेश कुछ कहे बिना उस ड्राइवर के साथ उस पुरानी हवेली में प्रवेश कर गए। हवेली बहुत ही बड़ी थी और बहुत ही पुरानी लग रही थी। और एक बात मैकू और रमेश को चौंकाने वाली लगी कि इतने समृद्ध लोगों के रहते हुए भी हवेली इतनी गंदी क्यों लग रही है। जगह जगह पर जाले लटके हुए थे, अजीब तरह की बू भी आ रही थी। मैकू और रमेश कसकर एक दूसरे का हाथ पकड़े उस बूढ़े ड्राइवर के पीछे पीछे हवेली के अंदर बढ़ते जा रहे थे। अचानक हाथ में चिराग लिए एक अधेड़ महिला आई, जो कि थोड़ी डरावनी लग रही थी। उसने इशारों ही इशारों में उस ड्राइवर से कुछ कहा। वो ड्राइवर मैकू और रमेश को उस अधेड़ महिला के पीछे जाने का इशारा करते हुए खुद दूसरी तरफ चला गया। वो अधेड़ महिला उन दोनों को लेकर एक बड़े से कमरे में दाखिल हुई।
ये कमरा काफी अच्छा था, पर चौंकाने वाली बात तो ये लग रही थी कि इस पुरानी गंदी हवेली में इतना सुंदर और साफ सुथरा कमरा कैसे हो सकता है। वो प्रकाश कहाँ से आ रहा था कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। मैको और रमेश उस कमरे में लगी आलीशान कुर्सियों पर बैठ गए। उनके हाव भाव शुरू हो गए थे, पर अब उन दोनों को बहुत सारी बातें अजीब लग रही थी। अब उस बड़े कमरे में कम से कम 12-15 लोग जमा हो गए थे। कहीं स्वादिष्ट भोजन की खुशबू थी तो कहीं पैगों का दौर शुरू हो गया था। मैको तो आए दिन दूर दूर की यात्राएं करता था, रात बिरात वो कहीं भी चला जाता था। उसे भूत प्रेत पर विश्वास तो था, पर वो एकदम निडर स्वभाव का था। वो अपने आप को शेरावाली का बहुत बड़ा भक्त मानता था और साल में कम से कम एक दो बार माँ के दर्शन करने जरूर जाता था। उसके गले में माँ की माला हमेशा लटकी रहती थी और साथ ही उसके शर्ट के ऊपरी जेब में एक छोटा सा दुर्गा चालीसा। उसे जब भी थोड़ा समय मिलता इस चालीसा को निकाल कर पढ़ लिया करता था। पर आज निडर मैको को लगने लगा कि वो और उसका दोस्त किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। उसके आसपास के लोगों का व्यवहार कभी कभी अजीब चौंकाने वाला होता। मैको फिर भी नहीं डरा और हिम्मत से काम लिया। उसने अपने दोस्त को उठने का इशारा किया और पास में लगे एक सोफे पर बैठने का इशारा किया और इशारे में ये भी कहा कि मेरा हाथ कसकर पकड़े रहना, डरना बिल्कुल भी नहीं। अब मैको और रमेश जिस सोफे पर बैठे थे वहाँ पास ही में एक आलीशान शीशा लगा था। मैको तिरछी आंखों से रह रहकर उस शीशे में देख ले रहा था। रमेश को अजीब लगा कि मैको उन कुर्सियों पर से उठकर इस सोफे पर क्यों बैठा। शायद मैको रमेश के जहन में उठने वाली बात को समझ लिया था। उसने उसे शीशे में देखने का इशारा किया। ये क्या, जैसे ही रमेश ने शीशे में देखा उसकी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो गई। डर से उसका चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल उस हॉल में चलते फिरते अच्छे लोग उस शीशे में बहुत ही भयानक लग रहे थे। इतने भयानक कि रमेश का कलेजा उसको मुंह को आ गया। वो पसीने से पूरी तरह से भींग गया। शीशे में उसने ये भी देखा कि ये लोग जो पानी या मदिरा पी रहे हैं वो खून जैसा लग रहा है। ये लोग जो खा रहे हैं वो किसी मांस या हड्डियां लग रही है। वो अब पूरी तरह से परेशान था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब उन दोनों का बचना मुश्किल है। अभी वो आपस में कुछ बातें कर पाते हैं तभी एक बूढ़ा बड़ी बड़ी मूछों वाला उनके पास आ पहुंचा। वो लोई ओढ़े हुए था और उसके पीछे पीछे 2-3 सेवक टाइप के लोग थे। वो बूढ़ा मुस्कुराते हुए मैको से बोला, आज मेरी पोती का जन्मदिन है। अच्छा हुआ आप लोग भी आ गए। हमारी पोती का जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाएगा और इसमें शामिल होने वाले सभी लोगों को राजसी कपड़े पहनने होंगे। तो आप लोगों से गुजारिश है कि पास के कमरे में जाकर अपने पहनावे बदल लें। ये बात कहते हुए वो बूढ़ा बार बार मैको के गले में लटकती हुई माला को देख रहा था। उस माला की तरफ जब भी उसकी नज़र जाती तो वो थोड़ा सा भयभीत लगने लगता। तभी अचानक एक खूबसूरत बच्ची वहां आ गई और उस बूढ़े की ओर देखकर बोली, दादाजी आप मेरे जन्मदिन पर मुझे क्या उपहार देने वाले हैं। वो बूढ़ा हंसा और मैको और रमेश की तरफ देखते हुए बोला, कुछ ऐसा जिसे तुम हमेशा याद रखोगी। इतना कहकर बूढ़े ने जोर से अठास किया। ऐसा लगा कि उसकी अठास में पूरी हवेली अठास करने लगी। अब माहौल और भी डरावना होता जा रहा था। खैर मैको ने अपना विवेक नहीं खोया और रमेश का हाथ पकड़कर पहनावा बदलने के लिए पास के बताए कमरे की तेजी में चला गया। कमरे में पहुंचकर जब रमेश डर के मारे अपने कपड़े उतारने लगा तो मैको ने उसे रोका और कहा, बेवकूफ़ी मत कर, अपने कपड़े को पहन कर रख। और साथ ही अपने जेब से
दुर्गा चालीसा निकालकर रमेश की जेब में रख दिया और कहा, डर मत, देखा नहीं मेरे गले की माला को देखकर वो बूढ़ा कैसे डर रहा था। अब उन दोनों ने वहां रखे राजसी कपड़ों को अपने पहने हुए कपड़ों के ऊपर ही पहन लिया। कपड़े पहनने के बाद मैकू ने रमेश का हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, डरना मत, हम लोगों के साथ माँ है और उनके रहते ये भूत प्रेत हम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसके बाद वो दोनों कमरे से निकलकर फिर से उस बड़े हॉल में आकर उसी सोफे पर बैठ गए। देखते ही देखते पार्टी शुरू हो गई। उस बूढ़े की पोती किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, पर उसी को शीशे में देखने पर वो बहुत ही बदसूरत और डरावनी लग रही थी। उस बच्ची ने खुशी मन से मैकू के पास आई और उसके कंधे पर हाथ रख दी। पर ये क्या, कंधे पर हाथ रखते ही ऐसा लगा कि जैसे उस बच्ची को 440 वोल्ट का करंट लगा। अभी कोई कुछ समझ पाता तब तक वो बहुत दूर जाकर गिर गई। अब तो वहाँ हड़कंप मच गया। मैकू सब समझ रहा था। उसे लगा कि यह जरूर उसके गले में माले के कारण हुआ है। उस बच्ची के दूर गिरते ही कई भूत प्रेत उसे उठाने में लग गए, जबकि वो बूढ़ा दौड़कर मैकू के पास आया और थोड़ा तेज आवाज में पर डरते हुए बोला, मैंने आपसे कहा था कि आप अपने कपड़े उतार कर हमारे यहाँ कपड़े पहने और आपने नहीं माना। आपके गले में जो माला है उसे भी उतार कर रख दीजिए, यही हमारे यहाँ की प्रथा है। मैकू ने ना में सिर हिलाते हुए कहा कि वो किसी भी हालत में इस माला को नहीं उतारेगा, और इतना कहते ही वो रमेश का हाथ और कसके पकड़ते हुए खड़ा हो गया। अब तो उस कमरे का हाल पूरी तरह से भयावह हो गया था। जो लोग सीधे साधे लग रहे थे अब वो बहुत ही भयानक हो गए थे। कुछ के तो दांत भी बाहर आए हुए थे और कुछ अजीब हरकतें करते हुए मैकू और रमेश को डराने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि इन दोनों के पास आए। रमेश से कहा कि लगभग सुबह होने वाली है और सुबह होते ही ये भूतिया माया दूर हो जाएगी, इसलिए हमें कुछ समय और निडरता के साथ इनका सामना करना है। इसके बाद वो दोनों फिर से वहीं सोफे पर बैठकर आंख बंद करके माँ भगवती को याद करने लगे। उनके अगल बगल में बहुत सारी आवाजें चीख पुकार आ रहे थे, पर वो इन सब से बेखबर होकर बस माँ का नाम लिए जा रहे थे। कुछ समय के बाद अचानक आवाज़ें आनी बंद हो गई। मैकू और रमेश ने अब अपनी आंखें खोल दी। अब वहाँ इन दोनों के अलावा और कोई नहीं था, हवेली भी तो नहीं थी। तो क्या ये दोनों सपना देख रहे थे? खैर, वो दोनों उठे और वहाँ से चलने को तैयार हुए। सुबह होने वाली थी और सूरज की आभा उस जंगल में धीरे धीरे फैलना शुरू हो गई थी। अचानक मैकू कार के पास गया और दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। उसने कार को स्टार्ट की तो वो बिना देर किए चालू हो गई। अब उसके बगल में रमेश भी बैठ चुका था। वो जंगल से बाहर निकलकर उस कच्चे रास्ते पर हो लिए और फिर अपने घर। दो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।